हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नव भारती फैमिली। मैं हूं प्रिया शर्मा, आपकी केमिस्ट्री की फैकल्टी। हम पढ़ रहे हैं 11th का चैप्टर फर्स्ट। उसका जो आज टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है स्टोकियोमेट्री। क्या नाम है? स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री, जैसा कि नाम से ही पता है स्टोकियोमेट्री क्या होता है। सबसे पहले कोई भी वर्ड अगर आपके सामने आए तो आप उसको कोशिश करें दो पार्ट में तोड़ने की। तो देखिए, जो स्टोकियोमेट्री है ये भी दो पार्ट में टूटेगा, स्टोकियो एंड मेट्री। स्टोकियो एंड मेट्री, ठीक है। स्टोकियोन का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्टोकियो जो है स्टोकियोन से मिलकर बना है, ये ग्रीक वर्ड है। तो क्या मतलब होता है स्टोकियो का? इट्स मीन्स कि एलिमेंट, ठीक है। और मेट्री, मेट्री बना है मेट्रॉन से, ठीक है। और उसका मतलब क्या होता है? मीजर करना किसी चीज को, किसी चीज को मीजर करना। तो स्टोकियोमेट्री मिलकर बना है एलिमेंट प्लस मीजर, यानी कि स्टोकियोमेट्री क्या करता है? डील करता है किस चीज में? कैलकुलेशन ऑफ मासेस। क्या करता है ये? कैलकुलेशन ऑफ मासेस। किसका? ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके मासेस का कैलकुलेशन करने के लिए जो डील करता है बेसिकली, उसे हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री जो है वो डील करता है किस चीज में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मासेस के कैलकुलेशन में। अब हमने स्टोकियोमेट्री की डेफिनेशन जान ली है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया है। अब हम जानेंगे कि हम इसका यूज कैसे करेंगे, केमिकल रिएक्शंस में हम इसका यूज क्या करेंगे। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो स्टोकियोमेट्री होता है ना उसको हम बोलते हैं कि ये रेसिपी बताता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। क्या बताता है ये? ये बताता है रेसिपी ऑफ केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, आप रेसिपी का मतलब सही समझ रहे हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे बनेगी, पूरी विधि या क्या क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स, हम बोलते हैं ना कोई भी खाना बनाते टाइम रेसिपी को हम बोलते हैं ना, उसके अंदर क्या काम में आता है इंग्रेडिएंट्स, वैसे ही केमिकल रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट कितना यूज में आएगा, कितना उसका मास लगेगा, ये सब जो पूरी रेसिपी है वो बताता है स्टोकियोमेट्री। तो हमें अब इसके बारे में जानना है कि कैसे ये रेसिपी बताता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, कि कैसे बनेगा वो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब मैं आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन लिख रही हूं बच्चों, है ना, बहुत नॉर्मल से केमिकल रिएक्शन है, N2 प्लस H2 क्या मिलकर बना रहा है? NH3, दैट इज अमोनिया, ठीक है। ये भी गैसेस स्टेट में है, ये भी गैसेस स्टेट में है, और ये भी गैसेस स्टेट में है। अब मुझे बताइए, जो मैंने यहां पर केमिकल इक्वेशन लिखी है, क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है? पता है ना मास ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम इस लेक्चर में, ये जो चैप्टर है हम उसके अंदर पढ़ चुके हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल इक्वल टू बी मास ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या ये इक्वल है कि यहां जितने हमें एलिमेंट हमने नाइट्रोजन के यूज किए हैं, एटम्स हमने नाइट्रोजन के यूज किए हैं, क्या उतने नाइट्रोजन यहां पर है? नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है, तो हम इसे पहले बैलेंस करते हैं। यहां नाइट्रोजन 2 है तो यहां पहले हम 2 नाइट्रोजन लगा देते हैं। अब यहां पर हाइड्रोजन हो गए 6, तो यहां पर हम 3 लगा देते हैं, जिससे कि ये 6 हो गया और पूरा एक तरीके से बैलेंस हो गया। यहां नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं है तो मैं यहां पर 1 लगा देती हूँ, 1 लिख सकते हैं ना। अब मैंने इस पूरी केमिकल रिएक्शन को जो है बैलेंस कर लिया है। जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हो उसके आगे कुछ ऐसे कोफिशियंट आ जाते हैं। देखिए, उसके आगे कुछ ऐसे कोफिशियंट आ जाते हैं, है ना। इन कॉफिशियंट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इन कॉफिशियंट्स को? स्टोकियोमेट्री कॉफिशियंट। क्या बोलते हैं? स्टोकियोमेट्री कॉफिशियंट। बात आ गई समझ में? जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस हम बैलेंस कर रहे हैं, जो आगे हमारे कॉफिशियंट्स आते हैं
हम उन्हें बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशियंट। और एक चीज, ये कैसे रेसिपी बताएगा किसी केमिकल रिएक्शन की, ये बहुत सारी चीजें बताता है। आप इसको दिखने में तो आपको लग रहा है सिंपल से एक केमिकल रिएक्शन है, बट नहीं है, ये बहुत सारी चीजें आपको इस केमिकल रिएक्शन के बारे में बहुत जानकारी दे रहा है ये। अब हम देखते हैं कि स्टोकियोमेट्री, जब हमने केमिकल रिएक्शन लिखा है तो कैसे ये बता रहा है रेसिपी ऑफ केमिकल रिएक्शन, या हम देखते हैं कि ये चीख चीख कर क्या क्या चीजें बता रहा है आपको, क्या क्या इससे हमें जानकारी मिल रही है। तो हम वन बाय वन सारी जानकारी इसकी लिखेंगे। मैं दोबारा लिख देती हूं, यहां पर N2+2 ठीक है, ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। अब हमें ये किन किन बातों की जानकारी दे रहा है हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये N2 है, यानी ये मॉलिक्यूल है। पता है ना मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम से मिलकर बना होता है। तो यहां पर ये क्या पता चल रहा है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ N2, वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 ठीक है, क्या मिलकर बना रहे हैं, थ्री मॉलिक्यूल ऑफ H2, यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 यहां पर तीन मॉलिक्यूल H2 के, ठीक है, या मैं बोलूं वन यहां पर वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, यहां तीन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बना रहे हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ये मिल रहा है क्या हमें, इससे जानकारी मिल रही है क्या? पता है ना ये N2 क्या है, ये मॉलिक्यूल है, H2 क्या है, ये मॉलिक्यूल है, NH3 क्या है, ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं हम, एटम्स से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल। तो यहां पर वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, थ्री मॉलिक्यूल ऑफ H2, क्या बना रहे हैं, टू मॉलिक्यूल ऑफ NH3। बात समझ में आई, एक तो ये जानकारी हमें मिल गई, मैं यहां लिखती जाती हूँ, एक तो ये जानकारी हमें मिल गई। दूसरी जानकारी क्या मिल रही है हमें, जब यहां एक मॉलिक्यूल ऑफ N2 से तीन मॉलिक्यूल ऑफ H2 ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, टू मॉलिक्यूल ऑफ NH3। सपोज करिए अगर मैं यहां पर ले लेती दो मॉलिक्यूल ऑफ N2, ये रिएक्शन क्या बता रही है हमें कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का लेना पड़ेगा, तीन मॉलिक्यूल आपको हाइड्रोजन का लेना पड़ेगा, तो आपको दो मॉलिक्यूल जो है अमोनिया के मिल जाएंगे। ठीक है, ये विधि इसने बता दी, ये क्या बता दी इसने, रेसिपी। अब इस रेसिपी के अकॉर्डिंग हम कितना और ऐड कर सकते हैं, सपोज करिए मैंने यहां पर लिया दो मॉलिक्यूल लिए नाइट्रोजन के, अगर मैं यहां पर दो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के ले रही हूं तो मुझे हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, एक से दुगना, तो तीन से भी दुगना, तीन दुनी छह, यानी सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मुझे यहां पर लेना पड़ेगा। रेसिपी है भाई, रेसिपी में तो हर चीज एकदम फिक्स होती है। ठीक है, और ऐसे ही यहां पर अगर 1 2 2 3 2 6 तो यहां पर भी 2 2 4, यानी चार मॉलिक्यूल बनेंगे अमोनिया के। बात आ गई समझ में, ये सब बातें कौन बता रहा है, ये केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये इसे हम लिखते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, किसी भी स्टोकियोमेट्री को कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, सपोज करिए मैं मानती हूं यहां पर मैं ले रही हूं Na, पता है ना क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर, Na क्या होता है, 6.022 10^23। यहां पर मैं इतने पार्टिकल्स ले रही हूं, या मैं बोलूं इतने मॉलिक्यूल्स ले रही हूं, ठीक है ना, यहां पर मैं इतने मॉलिक्यूल्स ले रही हूं। सपोज करिए मैंने यहां पर Na मॉलिक्यूल्स लिए, या मैं बोलूं पार्टिकल्स लिए, मैंने Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 लिया, ठीक है, यहां पर दो लिया था तो मैंने Na ले लिया। अगर मैंने यहां पर Na मॉलिक्यूल्स लिया है, Na मतलब आगे एक ही है ना, Na मॉलिक्यूल्स लिए हैं मैंने, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2। बात समझ में आती है, यहां पर एक Na का मॉलिक्यूल है, Na इज इक्वल टू 6.022 10^23 पार्टिकल्स, तो यहां पर एक Na है तो यहां पर 3 Na होगा, और ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, 2 × Na मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। बात समझ में आती है क्या, इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज और आपको बताया है कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स या कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na के बराबर, किसके बराबर, Na के बराबर।
पता है ना। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, वन मोल, एनए मॉलिक्यूल यानी वन मोल ऑफ एन टू। ऐसे यहां पर थ्री एनए है, थ्री एनए मॉलिक्यूल को मैं क्या लिख सकती हूँ, थ्री मोल ऑफ एच टू। ऐसे ही मैं यहां पर टू एनए मॉलिक्यूल्स को क्या लिख सकती हूँ, टू मोल ऑफ एन एच थ्री। आगे बात समझ में। अब ध्यान रखिएगा, आज से आपको अगर स्टोकियोमेट्री के बारे में लिखना है ना, तो आपको मोल में लिखना है। किसमें लिखना है, मोल में लिखना है, आपको मॉलिक्यूल्स में नहीं लिखना है। इतना ड्राइव कराने का मतलब सिर्फ यही था कि अब से आपको जो है मोल में पता करना है। क्या लिखना है आपको, वन मोल ऑफ एन टू। अब आप क्या समझोगे आपसे कि जो वन मोल ऑफ नाइट्रोजन है और थ्री मोल ऑफ हाइड्रोजन है, ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, टू मोल ऑफ अमोनिया। मतलब कि इससे आपको मॉलिक्यूल का पता चल रहा है, पार्टिकल्स का पता चल रहा है, साथ ही पता चल रहा है कितने मोल हैं। आप इसको मोल भी मान सकते हो, क्या मान सकते हो, मोल भी मान सकते हो, अगर जो है आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड हो। तो आज से हम स्टोकियोमेट्री की अगर बात करेंगे तो मोल्स में जो है इसको लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा तो मोल्स में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हमने यहाँ पर इसको मोल में तो सॉल्व कर लिया है, अब यहां से हमारी कड़ी और स्टार्ट होती है, यहां से कड़ी हमारी और स्टार्ट होती है। अब हम जो है इसे किस किस रूप में और लिख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको बताती हूं कि हमने जो निकाला था ना, क्या कि वन मोल एन टू के, थ्री मोल एच टू के और टू मोल एन एच थ्री के, ये मिल रहा था हमें, यानी वन मोल ऑफ नाइट्रोजन, थ्री मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बना रहे हैं, टू मोल ऑफ अमोनिया, टू मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब हमने इनको मोल्स में तो निकाल लिया है। ठीक है, अब आपको पता है जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हम किस किस में निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था क्वांटिटी के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बताया था ना मैंने आपको, न्यूमेरिकल्स लिखवाए थे तब, न्यूमेरिकल करवाए थे तब। और अगर हमें गिवन वेट दे रखा हो तो भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर हमें वॉल्यूम दे रखा हो एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं, पता है ना। तो अब हम तीनों फॉर्म में देखेंगे कि हमें ये किस तरीके की जानकारी दे रहा है। अब हम तीनों फॉर्म में वन बाय वन देखेंगे कि क्वांटिटी में, वेट में और वॉल्यूम में। तो देखिए, सबसे पहले मैं देखती हूँ क्वांटिटी में। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो एक क्वांटिटी के बारे में क्या बता रहा है, क्वांटिटी के बारे में ये बता रहा है, आपको पता है वन मोल ऑफ एन टू, एन टू में कितनी क्वांटिटी होती है, कितनी क्वांटिटी होती है, 6.023 × 10⁻²³ पार्टिकल्स होते हैं, या मैं बोलूं मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। वन मोल ऑफ एन टू में कितने होते हैं, 6.023 × 10⁻²³ पार्टिकल्स ऑफ एन टू। वैसे ही अगर मैं बात करूं तीन मोल ऑफ एच टू में क्या होगा, यहां पर इसका वन है तो यहां पर तीन हो जाएगा, यानी 3 × 6.023 × 10⁻²³ पार्टिकल्स, यहां पर N2 के और यहां पर किसके, H2 के। ठीक है, तीन तीन गुना हो गया, यहां पर एक गुना था, यहां पर तीन गुना और यहां पर दुगना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुगना, क्या, टू इतनी बात समझ में आई क्या। यहां पर ये एक गुना था, देख लो वन मोल इज इक्वल टू इतना होता है, तो थ्री मोल इज इक्वल टू क्या होगा, इतने पार्टिकल, और टू मोल इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, इसके पार्टिकल। यानी बात समझ में आ गई इतनी। अब क्वांटिटी के फॉर्म में तो आपने देख लिया कि ये हम ऐसे लिख सकते हैं, अब हम वेट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, या फिर मैं बोलूं मासेस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम कैसे लिखेंगे। अब मुझे बताइए, यहां पर एक एन टू है, यहां पर क्या है, एक एन टू है, नाइट्रोजन का कितना होता है एटोमिक मास 14, एन टू का कितना होगा 28, कितना होगा 28, यहां पर एक एन टू है यानी 28 ग्राम ऑफ एन टू, बात समझ में आ रही है, वेट के हिसाब से मैंने लिख दिया। प्लस, यहां प्लस लगाऊंगी, बाकी में प्लस नहीं लगाना आपको, यहां प्लस लगेगा, प्लस 3H2O। आपको पता है जो एक हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो यहां पर 3 × 6 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 6 ग्राम ऑफ H2। ठीक है,
ऐसे ही क्या बना रहे हैं ये, आप डायरेक्टली इनको जोड़ के भी लिख सकते हो, बाकी आप देख भी सकते हो यहां पर क्या है, अमोनिया में क्या है, दो तो नाइट्रोजन है, दो तो नाइट्रोजन है प्लस 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 2 14 प्लस 6 16 क्या निकल के आता है, टोटल क्या निकल के आता है, 28 और 6 कितना होता है, कितना होता है 28 और 6, इसको बराबर आ गया, तो आप इसको भी लिख सकते हो 8 और 6 14 यानी 34 ग्राम ऑफ NH3, ठीक है, 34 ग्राम ऑफ NH3। मतलब वेट की बात करें तो ये इतनी सी इक्वेशन हमें क्या और चीज दिखा रही है कि 28 ग्राम ऑफ N2 और 6 ग्राम ऑफ H2 से मिलकर क्या बन रहा है, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बन रहा है। बात आ गई समझ में? तो ये इस तरीके से हमें वेट के हिसाब से भी बता रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें वॉल्यूम के बारे में, कैसे बता रहे हैं हमें वॉल्यूम, वो भी किसमें, STP में, कैसे बता रहा है कि देखो एक मोल, अगर एक मोल की बात करूं तो इसके अंदर वॉल्यूम कितना होता है, अगर एसटीपी की बात करा जाए कितना होता है, 22.4 लीटर ऑफ N2, ठीक है ना, एक मोल में 22.4 लीटर ऑफ N2 होता है। अगर एक मोल में 22.4 लीटर ऑफ N2 होता है तो 3 मोल ऑफ H2 भी तो है यहां पर, उससे क्या होगा, 3 × 22.4 लीटर ऑफ H2, ठीक है। और क्या बना रहा है ये, यहां पर 2 मोल है अमोनिया के, तो 2 × 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया, ये पूरा वाटर के बारे में बता दिया। यहां पर एक मोल था तो एक मोल में कितने होते हैं वॉल्यूम एट एसटीपी, 22.4 लीटर, ठीक है। और यहां पर कितना होता है, यहां पर 3 मोल ऑफ H2O था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर 2 मोल ऑफ अमोनिया था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे करके आपको क्वांटिटी, वेट एंड वॉल्यूम एट एसटीपी के बारे में ये जानकारी देता है। तो किसी भी स्टोक्योमेट्री का, किसी भी रिएक्शन का आप स्टोक्योमेट्री इस हिसाब से लिख सकते हो, स्टोक्योमेट्री कॉफिशियंट जो है आप उसको, ये सारी जानकारी आपको वो देता है, स्टोक्योमेट्री कॉफिशियंट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए आपको इतने में अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी जो है केमिकल रिएक्शन का स्टोक्योमेट्री लिख सकते हैं। दूसरी चीज, आपको इससे बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में अगर कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी प्रॉब्लम आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।